उपस्थित हम सब हुए मधुबनी जिला संघ का एक नवीकरण करने के लिए। उसे नवीनीकरण हुआ, संगठन पूर्व में एक्टिव है, वो भी है और हम भी हैं। और ये जो व्यवस्था स्थापित हुई है, इसका मुख्य कारण था कि हम लोग को सेवा समायोजन जो है, इसके लिए वर्ष 18 में राहुल सिंह सर के द्वारा स्पष्ट लिखा गया है कि ये उर्मिला का इसमें कोई योगदान नहीं। जो उर्मिला एक एजेंसी के रूप में यहाँ काम कर रही है, आउटसोर्स के रूप में, इनका कोई दायित्व नहीं है। पेट्रोन एजेंसी के रूप में काम करे, चयन समिति का काम करे, चयन करे और अपने विभाग को सुपुर्द कर दे। इसके लिए उन्होंने लिखा है, इससे सरकार को प्रति वर्ष लगभग 100 करोड़ से ऊपर का वित्तीय नुकसान हो रही है, जो कि कहीं ना कहीं ये खेदजनक है। जो भी इस प्रति स्थिति में सरकार को इतना वेतन व्यवस्था में समस्या हो रही है और ऊपर से GST का जो नुकसान हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। क्यों ना हम लोग को विभागीय समायोजन किया जाए, इसलिए कि हम लोग वर्षों से सेवा देते आ रहे हैं, 20 वर्षों से ऊपर लगभग हम लोग सेवा दिए हैं और इसके लिए हम लोग सब कोई अपने तन मन धन से आज इस संघर्ष को स्थापित किए हैं कि आज बिहार इस मुकाम पर पहुंचा है। जो LRC है, अभी करंट में जनगणना का चल रहा है, उसमें भी हमारे भाई योगदान दे रहे हैं और भी अन्य कोषागार है, DTO ऑफिस है, अन्य कई ऐसे विभाग है जिसमें हमारी भाइयों के द्वारा एक नवीनीकरण स्थापित किया गया, एक मुकाम पर पहुँचाया गया, लेकिन हम लोगों के साथ ये बिचौलिया हो रहा है। क्यों हो रहा है? जब हम लोग सही हैं, सब कुछ CBT एग्जाम पास करते हुए, सभी स्वेच्छाओं के अनुसार एग्जाम पास करते हुए हम लोग स्थापित हुए हैं, फिर हम लोगों के साथ इतना बिचौलिया क्यों? हम लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों? मंत्री जी का भी करंट रिपोर्ट है कि ना हम बिहार सरकार के हैं और ना बेल्ट्रॉन के हैं, जबकि सारा दायित्व बेल्ट्रॉन करती है। हम लोग का जो एडवर्टाइजमेंट होता है बेल्ट्रॉन देता है, उस पर हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, 1050 का चलान हम लोग भरते हैं, उसके बाद सारी व्यवस्था बेल्ट्रॉन एग्जाम लेती है, एडमिट कार्ड जनरेट करती है, परीक्षा बेल्ट्रॉन कराती है, सारी काम बेल्ट्रॉन करती है। जब हम लोग नियुक्ति लेने जाते हैं, पता भी नहीं होता एक उर्मिला का ढड़ा पहुँचा दे, जबकि उसके ऊपर बेल्ट्रॉन रहता है। भुगतान भी यहाँ तक हम लोग बेल्ट्रॉन को करते हैं, फिर ये क्यों एजेंसी क्यों है? आखिर ये सरकार को क्या इससे लाभ है जो एजेंसी को रखे हुए? ना हमको लाभ है और सरकार को भी वित्तीय वर्ष में लगभग 100 करोड़ से ऊपर का नुकसान है। और हम लोग का जो समय समायोजन का है, उससे ये बेनिफिट होगा कि हम लोग नियमित रूप से अपने वेतन को उठाएंगे, समय पर उठाएंगे। जो व्यवस्था है उसमें हम लोग बहुत ही दयनीय स्थिति में रहते हैं, वेतन बन भी जाता है ऑफिस के द्वारा तो भुगतान होते होते कम से कम 20-25 दिन लग जाता है, उस बीच में हम लोग बच्चे को निर्वहन नहीं करते, परिवार का जीवन यापन नहीं कर पाते हैं। ये क्यों ऐसे कर रहे हैं हम लोगों के साथ? अब जबकि हम लोग मुख्य सचिवालय से लेकर जहाँ से मुख्यमंत्री सरकार लेटर भी